दोस्तों मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला गया जो कि बहुत ही अहम मुकाबला था। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पैसे लेकर हारा मैच को। मैच के बाद हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बहुत ही खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा 11 रन और ईशान किशन 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और कैमरून ग्रीन के बीच अच्छी साझेदारी हुई। कैमरून ग्रीन 23 गेंद में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 41 रन बनाए और वहीं सूर्य कुमार यादव 20 गेंद में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। तिलक वर्मा 26 रन और निहाल वडेरा ने 23 रन बनाए जिससे मुंबई इंडियंस स्कोर बोर्ड पे 182 रन लगा सकी। 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही। दोस्तों सबसे ज्यादा रन की बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो मार्कस एस्टोनिस 27 गेंद में 40 रन बनाए। दोस्तों इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट्स 81 रन से हार गई। दोस्तों मैच के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के फैन का यह आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ की बैटिंग को देखकर लखनऊ की टीम जानबूझकर मैच हारी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्या लखनऊ की टीम जानबूझकर मैच हारी है।